नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपने अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पर। तो हमारा 12th मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा था वो था डिटरमिनेंट पार्ट नंबर 5। चार पार्ट हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब जहाँ से चार नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, कन्फर्म बनता है, उस क्वेश्चन को, उस पैटर्न को हम लेके चलते हैं। और वो ये क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट, ये आपने प्रूव करना है, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है एक, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, आपने प्रूव करके दिखाना है। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये आपको दिया हुआ है। अब मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मान लो 1 से किया, फिर आप इसको ढक लो, फिर ए की टर्न आएगी माइनस का ए, फिर आप ढक लो, फिर ए स्क्वायर। तो ऐसे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऑपरेशन लगा के इस क्वेश्चन को आसान बनाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है प्रूव दैट का, सबसे पहले हमारी जो पैटर्न, हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप कोशिश करो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 1 ढूंढने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है, जो ये पैटर्न बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है कि सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 1 ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हैं तो मतलब आपका एक स्टेप हो चुका, यानी अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपको 3 1 बना के दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? कॉलम नंबर 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर वन, यानी आपको क्या ढूंढना है, 1 ढूंढने हैं। अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं कि 1 ही ढूंढना है हमें, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। आपने क्या करने हैं, रो एंड कॉलम्स में ऑपरेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाने की, जितने 0 आप बना सकते हो। एंड देन स्टेप 3, एक्सपेंड। फिर आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहला स्टेप इसने हमें करके दे दिया, क्या कि हमें 3 1 बना के दे दिए। सेकंड स्टेप है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनानी है आपने, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, एक बीच में स्टेप 3 हम ये ऐड करते हैं, सिंप्लीफिकेशन, और स्टेप 4 में होता है एक्सपेंड, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको दिया हुआ है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कैसे बनानी है। तो देखिए, मैं बनाना चाहता हूँ इस 1 को 0 बनाना चाहता हूँ, तो जो ऑपरेशन थे कि अगर इस 1 में से इस 1 को, ये हमारा R1 था, देखिए R1, देखो 1 a a स्क्वेयर और ये R2 है 1 b b स्क्वेयर रफ में। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। और ये चेंज किस में लाना चाह रहा हूँ मैं, R1 में, किस में लाना चाह रहा हूँ मैं चेंज, R1 में। तो कैसे लिखूंगा इसको, R1 tends to, यानी चेंज जिसमें लाना है। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं 1 minus 1 0, यानी R1 minus R2, यानी मैं R1 में से R2 को माइनस करना चाह रहा हूं। तो जो रिजल्ट आएगा वो यहां आएगा। एक बात आपसे बताई थी कि जिस चीज में चेंज करते हैं बस उसी में चेंज आएगा, बाकी दोनों सेफ रहेंगे। तो पहले इन दोनों को लिखता हूं, कहीं आप गलती ना कर दो, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है, तो 1 माइनस, देखिए ये तो इधर कर लो, पहले रफ में करना सीखो आप लोग, फिर आप फेयर में आ जाना डायरेक्ट। तो 1 minus 1 0, a minus b, और यहाँ से आएगा a square minus b square, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, तो यहाँ मेरा 1 0 बन गया। अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, R2 tends to R2 minus R3, इस R2 में से, इसका मतलब 1 b b square, ये R2 थी मेरी, इसमें से क्या माइनस करना चाहता हूँ मैं, R3, 1 c c square, रफ में कर लेना आप, माइनस माइनस माइनस। तो बदलाव किस में लाना है, चेंज किसको करना है, R2 को। तो हम क्या करेंगे, 0 a माइनस b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, 1 c c square। देखना मैंने क्या किया है, R2 में चेंज करना चाहता हूँ तो R1, R3 को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, ठीक है, सेफ बिल्कुल। 1 minus 1 0, ये कितना हुआ, b minus c, और ये कितना हुआ, b square minus c square। इतना क्लियर हुआ, इसको मैं रफ कर देता हूँ अब यहाँ से, आप भी ऐसे रफ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
तो ये दो जीरो बन गए, अगली जीरो नहीं बन सकती क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वन ही रहेगा। तो हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप है सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इनको हटा रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन देन एक्सपेंड, आप नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन को रोक के नोट कर लिया करो आप लोग। अब बारी आती है हमारे पास इसकी, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये जीरो, ये ए माइनस बी, और ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, आगे जीरो, बी माइनस सी, और ये कितना है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, तो बी माइनस सी बी स्क्वेयर और बी प्लस सी। ठीक है, थर्ड एडिटिव वन सी सी स्क्वेयर, वन सी सी स्क्वेयर, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल नज़र आ रहा है, टेकिंग ए माइनस बी इन इस पूरे में, जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, ए माइनस बी यहाँ भी, ए माइनस बी यहाँ भी है, इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, जीरो बी माइनस सी बी माइनस, तो यहाँ बी माइनस सी, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम आर वन एंड आर टू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आर वन में से मैं कॉमन ले रहा हूँ ए माइनस बी, आर टू में से बी माइनस सी, तो बाहर क्या आ जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, यहाँ क्या बचा जीरो, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ जीरो, यहाँ पे वन और यहाँ बी प्लस सी, यहाँ वन सी और सी स्क्वेयर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं ये क्वेश्चन रब कर देता हूँ, फिर बाकी चीज़ मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास ये जो कॉलम नंबर वन है इसमें मेरे पास जीरो आ गए दो और एक वन आया, तो जिस चीज़ में जिस कॉलम में या जिस रो में अधिक से अधिक जीरो हो, क्या बताया, जिस कॉलम में या जिस रो में मैक्सिमम जीरो हो उससे एक्सपेंड करो, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंड बाय एक्सपेंड बाय सी वन, यानी मैं किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ, सी वन से, ये दोनों बाहर रहेंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो सबसे पहले जीरो की टर्न आएगी, देखो प्लस माइनस प्लस, साइन याद है आप लोगों को, प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे अपोजिट साइन चलते हैं, तो पहले जीरो की टर्न आएगी, तो जीरो के साथ अंदर कुछ भी आए भाई, इसको ढक लो और इसको ढक लो, चाहे कुछ मल्टीप्लाई करो या मत करो, जीरो आना है उसको, तो फिर इसकी टर्न आएगी माइनस जीरो, इसका भी जीरो आना है क्योंकि आप इसको ढक लो और इसको ढक लो, आंसर तो वही आएगा, और थर्ड में क्या आता है वन, तो इसको ढक लो वन को यहाँ से और इसको यहाँ से ढक लो, तो b प्लस सी की मल्टीप्लाई वन से होगी, क्या बचेगा हमारे पास, ये ब्रैकेट इससे लगाएंगे b प्लस सी माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे करना है इस तरह ढक के आपने, और ये कितना आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस सी, ये जीरो ये जीरो, ये क्या बचा b प्लस सी, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस a माइनस का b, b से b कैंसिल, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, आई होप सो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जीरो बनाए ऑपरेशन, और ये जो हमने एक स्टेप में एक ऑपरेशन लगाया, आगे आगे हम एक स्टेप में दो लगाएंगे, एक साथ आप दो लगा सकते हो मैक्सिमम, बस दो से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन लगाया, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसमें से कॉमन आ गया, फिर ये हमारा बच गया, जीरो जीरो वन आया, इसलिए हमने इसको सी वन से एक्सपेंड किया, अगर इधर आते जीरो जीरो वन तो हम उसको इधर से एक्सपेंड करते, जैसे आपने एक्सपेंड किया ये दोनों जीरो हो जाएंगे, वन से करेंगे इसको ढक लो, इसको ढक लो, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट नोट ले लो आप। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें ये प्रूव करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि देखिए, अब हम प्लस माइनस करते हैं या ऑपरेशन लगाते हैं, तो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कि कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि क्या ऑपरेशन लगाना है। यहाँ x है, यहाँ y है, अगर इस x में से y माइनस कर दूँ तो ये x माइनस y बन जाएगा, जैसे मान लो ये x है, एक्स स्क्वेयर है और वाई जेड है, और फिर ये y, वाई स्क्वेयर और जेड एक्स, अगर इन दोनों को माइनस कर दें इस तरह से, हम क्या कर रहे हैं आर वन माइनस आर टू कर रहे हैं, R1 माइनस आर टू, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखो यहाँ बचेगा वाई जेड और माइनस का
जेड एक्स, ये बचेगा माइनस करेंगे तो दोनों में से जेड कॉमन ले लो, क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई माइनस एक्स आ रहा है, तो हम क्या आइडिया लगा लेते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई, यानी कि ये सारा काम रफ में करके मैं देखूंगा पहले, तो मैंने रफ में देखूंगा उसके बाद फिर मैं सोल्व करूंगा। तो माइनस जेड एक्स माइनस वाई, यानी कि अगर मैं आर वन माइनस आर टू कर दूं तो चेंज किस में आ रहा है, आर वन में, इधर क्लियर, आर वन में चेंज आ रहा है और ये आएगा रिजल्ट। तो आर वन माइनस आर टू, तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप एक काम करो, इसको भी सोल्व करके लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप सोल्व करके लिख देते हैं और ये बन जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये रिजल्ट आया, माइनस का जेड और ये आएगा एक्स माइनस वाई, माइनस का जेड एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, माइनस का जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया था, आर वन माइनस आर टू, नीचे माइनस किया था, नीचे की तरफ इस पूरे आर वन में से नीचे वाला माइनस कर दिया, यहाँ वाई वाई स्क्वेयर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई, इतना ठीक है, आगे बात समझ। अब और क्या क्या चाहिए मुझे, वाई माइनस जेड चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, उसको क्या लिखेंगे आर टू, आर टू माइनस आर थ्री। तो आर टू को लिख लो पहले यहाँ पे, वाई वाई स्क्वेयर जेड एक्स, और आर थ्री को लिख लो जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई, लिख लिया आपने रफ में। अब माइनस कर दो इनको, कितना बचेगा वाई माइनस जेड, यहाँ से वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, और यहाँ से जेड एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स कॉमन ले लो, जेड माइनस वाई, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, क्यों लिया, क्योंकि वाई माइनस जेड चाहिए हमें, जेड माइनस वाई नहीं चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा वाई माइनस जेड, तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड, इतना क्लियर हुआ। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एज इट इज, और माइनस जेड एक्स माइनस वाई। आगे आगे हम आपको ये सिखाएंगे कि दोनों को आप एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा वाई माइनस जेड, आगे क्या बचा वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आगे कितना है माइनस एक्स वाई माइनस जेड। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाद में आपको आसान लगेगा। तो ये दो हमने माइनस कर दिए और थर्ड बनी जेड जेड स्क्वेयर और एक्स वाई, इसको हाथ नहीं लगाना हमने, दो में चेंज कर दिया। यहाँ से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको आर वन में से, आप लिख देना टेकिंग एक्स माइनस वाई फ्रॉम आर वन, टेकिंग कॉमन वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से वाई माइनस जेड, तब यहाँ से एक्स माइनस वाई चला गया तो वन बचेगा, यहाँ से एक्स माइनस वाई चला गया तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचेगा, और यहाँ से एक्स माइनस वाई चला जाएगा माइनस का जेड बचेगा, यहाँ से वाई माइनस जेड चला गया वन बचेगा, यहाँ से वाई माइनस जेड चला गया तो वाई प्लस जेड बचेगा, और यहाँ से माइनस का एक्स, और यहाँ बचेगा हमारे पास जेड जेड स्क्वेयर और एक्स वाई, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मैं यहाँ जीरो बना सकता हूँ कैसे, अगर इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मतलब आर वन टेंड्स टू आर वन माइनस आर टू, तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो अगर मैं माइनस करूँ तो वन माइनस वन, देखिए अब इसको आप आर वन माइनस आर टू, आर वन कितना है हमारे पास, यहाँ रफ में लिख लो फिर हम फेयर कर लेंगे उसको, वन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर यहाँ कितना है वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, माइनस करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई और दोनों का साइन चेंज, माइनस वाई माइनस ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, और यहाँ माइनस का जेड और ये प्लस का एक्स। आपको रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए जेड माइनस एक्स, ठीक है, हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोनों जगह हमारा क्या आ रहा है एक्स माइनस जेड आ रहा है दोनों जगह, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे जीरो, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा जेड माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है, तो ये आया जीरो, वन माइनस वन जीरो, फिर कितना आया माइनस जेड माइनस एक्स, फिर कितना आया माइनस जेड माइनस एक्स। तो ये हमने ऐसे राइट हैंड साइड में आर वन माइनस आर टू कर लिया, दोबारा देख लेना आराम आराम से स्लो स्पीड में करके देख लेना कैसे किया, ठीक है, बाकी का एसटीज लिखो, वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको ऊपर से जेड माइनस एक्स, तो क्या लिख दूंगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, कॉमन ले लिया आपने, आप लिख देना या जीरो
यहाँ माइनस वन और यहाँ माइनस वन, माइनस वन यहाँ आ जाएगा वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई, यहाँ तक हमारा आ गया। ठीक है, अब एक जीरो और बन सकती है, ये मेरा क्या है पूरा का पूरा सी टू है और ये मेरा क्या है सी थ्री है। अगर इस सी टू में से सी थ्री माइनस कर दूँ, सी टू माइनस सी थ्री, सी टू में कौन है माइनस वन, फिर माइनस आएगा, सी थ्री में कौन है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस जीरो बन जाएगा। हम इसको रफ में करके दिखाएंगे आपको कैसे। पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ इसको, ये दोनों स्टेप रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लो आप इसको, रोक के स्क्रीन को रब कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखो सी टू टेंस टू सी टू माइनस, यानी मैं चेंज किस में करना चाहता हूँ सी टू में। तो ये दोनों से ये दोनों हमारे एज इट इज आएंगे, बात तीनों के तीनों एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये थोड़ा और लिख देता हूँ, स्क्रीन से बाहर जा रहा हो तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा एज इट इज जीरो वन और जेड, ये एज इट इज रहेगा आपका। ये हमारा क्या है सी टू, माइनस वन वाई प्लस जेड और जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये माइनस वन माइनस एक्स और एक्स वाई, बीच में क्या आएगा सबके साथ माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, कितना रिजल्ट आया जीरो, सी टू में चेंज कर रहे हैं, यहाँ कितना आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ आएगा जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या बच गया माइनस वन माइनस एक्स और यहाँ आ गया एक्स वाई। ठीक है, दो जीरो बन गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये हमारी है आर वन, तो क्या लिखेंगे एक्सपेंड बाय आर वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। जब एक्सपेंड करूँगा मैं, ध्यान रखना सबसे पहले जीरो की टर्न आएगी, तो जीरो आएगा ब्रैकेट, चाहे आप इसको यहाँ से ढक लो इसको यहाँ से ढक लो, तो आंसर तो जीरो ही आना है। ठीक है, फिर इसकी टर्न माइनस जीरो के साथ, आंसर तो वही आना है जीरो। लास्ट में है हमारा माइनस वन, तो इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, माइनस का वन सिर्फ लास्ट वाला बचेगा, तो इसको ढक लो एक्सपेंड में, इसको ढक लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, कर दी मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो माइनस के साथ, तो इसकी इससे करेंगे माइनस का जेड एक्स, इसको इससे करो माइनस का जेड वाई, इसको इससे करो माइनस का जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल, माइनस को अंदर भेज दो तो कितना आएगा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और यही आई थिंक सो आपको प्रूव करना था। तो ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड। कम से कम दो से तीन बार इस वीडियो को देखो, तब जाके ये पैटर्न आपको समझ में आएगा कि कह क्या रहा है। एक के स्टेप को नोट करो और स्टार्टिंग के क्वेश्चन करो, किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करो, आप एनसीईआरटी करो, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लो कि मैंने वीडियो देख ली, सर ने समझा दिया। हो सकता है, मैं ये मान रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आप कम से कम दो से तीन बार इसको करो, अगली वीडियो में फिर से मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हो सकता है तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद।